आज मैं बना रही हूँ मलके का दाल। मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है और अभी दोपहर के बजे हैं 1 और काफ़ी टाइम हो गया है। मतलब अगर आपको जल्दी खाना है और अच्छा खाना है तो मुझे लगता है मलके की दाल से बढ़िया कुछ है ही नहीं। प्याज लहसुन टमाटर ये सब कट कर लो और दाल छोड़ दो कुकर में, 2 सीटी में बन के रेडी। मेरा तो 2 से 3 सीटी में दाल बन के रेडी हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो ये देखो मैंने इसमें सब कुछ दे दिया है। मैंने आज बहुत जल्दी जल्दी किया है क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। इधर मेरे पति को भूख लग गई है। मैं कम से कम 20 मिनट में मेरा खाना बन के रेडी हो गया और मेरे पति को बोला कि आप फटाफट नहा के आओ तो उस बीच में खाना लगा दूँगी। तो वो गए और आए और मेरा खाना बन के रेडी हो गया। क्योंकि मेरा जो कुकर है ना वो बहुत जल्दी जो है ना पका देता है और 2 से 3 सीटी में सब बन जाता है। और इधर ना मैं थोड़ा सा रायता बनाऊंगी, तो रायते के लिए मैंने खीरा का क्रश कर लिया है। मैं खीरा क्रश करके देती हूँ कि मज़ा आता है ना, अगर रायते में खीरा हो ना तो बहुत मज़ा आता है। एक तो दही ठंडा होता है, ऊपर से हम लोग ना एक्स्ट्रा ठंडा चीज़ डाल रहे हैं तो पेट और भी ठंडा हो जाएगा खीरा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना एक खीरा और दही को ना मिक्स कर लिया है और अभी इसके अंदर ना मैं डालने वाली हूँ मसाला, रायता मसाला। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने ना एक्स्ट्रा फिर नमक भी डाला, तो नमक मुझे लगता है ना कि डालना नहीं चाहिए, सेंधा नमक डालो तो सही लगता है। लेकिन मैंने ये नॉर्मल नमक जो है ना वो डाल दिया था, जैसे क्या हुआ ना कि बहुत नमक हो गया था, फिर मुझे बाद में फिर से मुझे दही डालना पड़ा। और मैंने अपने पति को बोला कि चिल्ट वाला पानी देने के लिए और मेरे पति ने दिया जस्ट अभी जो मैंने भरा वही वाला। फिर मैंने कहा कि तुम्हें कोई काम आता भी है सही ढंग से? फिर हमारी झगड़ा हो गई, फिर हम लोग बहस करने लग गए। यही तो होता है, वो उल्टे काम करते हैं, जब मैं सीधा बोलती हूँ तब उनको बुरा लग जाता है। तो यहाँ पे रायता बन के रेडी हो गया है और छोटा सा ग्लास ले लिया है। मैंने कहा मेरे लिए भी निकाल दो। और मैं अभी इसमें डालने वाली हूँ बूंदी। अभी नहीं, मतलब कि इसके अंदर डाल के रख नहीं दूँगी क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, मतलब नरम हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने ऊपर से जो है ना बूंदी दिया, बहुत मज़े का होता है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बूंदी था और रायता इंस्टेंट बना था, बहुत मज़े का बना था। आप लोग भी ऐसे बना के खा सकते हैं। और हम लोग ना ये खाना बना रहे थे और रायता बना रहे थे और मैं पहले ही खा ले रही हूँ, खाना खाने से पहले ही खा ले रही हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद ना रायता फिर मेरे पेट में जाता नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने पहले ही 1 गिलास खा पी लिया। और इधर देखो हमारा दाल बन के रेडी हो गया है और मेरे हस्बैंड ने भी नहा लिया है। प्रसाद में आज मैंने लड्डू चढ़ाया था तो फिर वही लड्डू है, वो भी खाया।